अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एफपी एरिया ब्लॉक 19 अफगान पार्क में। यहाँ पर एक मेले का एक समा सजाया गया है कराची के शहरियों के लिए और इस वक्त काफी सारी फैमिली अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद है। पूरे पार्क का आपको एक्सप्लोर भी करवाएंगे, यहाँ पर कौन कौन से झूले रखे गए। यहाँ पर इस वक्त इंटरनेशनल सर्कस और इसके साथ साथ मौत का कुआं। आइए पूरे पार्क को एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको फैमिली जो अपने बच्चों के साथ आई हुई किस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। पार्किंग का बड़ा बेहतरीन निजाम है यहाँ पर और बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो बहुत ही ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं। इवन बच्चों के अलावा उनके पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर झूले, सर्कस और मौत का कुआं ये सब रखा गया है। तो ये सारे जो मनाजिर है कराची वालों के लिए और ये खुशखबरी भी कराची वालों के लिए। आइए पूरे पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। ये मुझे बताया पहली बार आए यहाँ पर या रोज आ रहे हैं? नहीं, पहले दफा फर्स्ट टाइम ही आए। अच्छा, मुझे बताया कि इस तरह के मेले, इस तरह के इवेंट्स वगैरह कराची में नहीं होते और ये कराची में डीएमसी की जानिब से रखा गया है, ये किस तरह का एकदम आपको लगा? अच्छा एकदम है, होना चाहिए। बच्चों के लिए भी यहाँ पर है झूले और बड़ों के लिए भी यहाँ झूले। कराची वालों के लिए तो कोई एक्टिविटी है नहीं, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से, होना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताया कि अभी एंट्री फीस वगैरह क्या आपने दी है और यहाँ पर आए तो आप मतलब एक होता है इंसान बजट लेकर आता है कि, और यहाँ पर तो हर झूला ही बड़ा शानदार और मुनफरिद है। नहीं नहीं, रीजनेबल प्राइस है, कोई 30 रुपए का कोई एंट्री टिकट कुछ नहीं है। वैसे कराची वाले पुड़िया खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, उससे तो बेहतर है। अच्छा, मुझे पता है नाज़रीन के लिए आप कोई पैगाम वगैरह देना चाहें तो आप? पैगाम ये कि इस टाइप के इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए और जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है कि फैमिलीज आती हैं और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो इंतजामिया जो है ना कोऑपरेट करती है तो इट वुड बी गुड फॉर पब्लिक। आपने अभी तक कोई चूज किया झूला? कौन सा आपने झूला? ट्रेन वाला। कौन सा? ट्रेन वाला। ट्रेन वाला। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर सर्कस भी है और मौत का कुआं भी है। देखा है कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया? मौत का कुआं देखा है, सर्कस भी देखा। वो एक घंटे का शो है, लाजमी देखना, बड़े मजे का है। बेटा आप मुझे बताओ, मुझे काफी हेल्दी लग रहे हो माशाल्लाह। अच्छा, आपने जो है कौन सा सोचा हुआ है झूला, कौन सा झूलना है? कोई सा ही झूल लो। सभी झूल लोगे? अच्छा, सर्कस और मौत का कुआं भी यहाँ पर एक बड़ी मुनफरिद चीज है, तो इन दोनों में से कौन सी चीज आपने एक्सपीरियंस कर ली है? कोई सी भी नहीं। कोई सी भी नहीं की है, तो सभी कर लो फिर आज, सभी कर लो। इन्होंने भूत देख रहे हैं। भूत? अच्छा हाँ, भूत घर भी है वहाँ, भूत के थप्पड़ मारते हैं। अच्छा, बच्चों का तो हो गया, आप मुझे बताएं, आप भी कुछ सोच कर आई होंगी ना? आप जो बच्चे पसंद करेंगे वही करेंगे, वही झूलेंगे आप? बड़े पटले में जा रहे हैं, बच्चों ने सबके थप्पड़ मारने हैं भूतों के। हमारे बचपन में ये होता था कि हम झूला झूलते थे, पेरेंट्स बैठे थे सामान की तरफ ना, उनकी देखभाल किया करते थे, लेकिन अब इतने बड़े झूले आ गए कि पेरेंट्स भी साथ साथ झूल रहे हैं, तो अच्छा है, फैमिली पूरी एंजॉय कर लेती है ना। कराची की मशहूर और मारूफ मुमताज बेगम, जिनके बारे में एक वीडियो हमने बनाई है और वो काफी मकबूल हुई है वीडियो, तो मैं इनके बारे में बताता चलूं। जो इनका घर है वो इंसानों का, उनका जो जिस्म है वो जानवर का है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक हो? अच्छा, ये बताएं ये इस तरह का जो है, ये किस तरह इसका हमने बताया? बंगालन ने 12 साल। किस तरह का जादू? काला जादू है। काला जादू है। मुमताज बेगम चुड़िया घर से, बंगालन ने 12 साल, 4 साल। जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों को लेकर आए, ये मुझे बताया फर्स्ट टाइम आए या रोज ही आ रहे? फर्स्ट टाइम आए। बस कैसा लगा एक्सपीरियंस? फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ पर? है जिस तरह से अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा। अच्छा, झूले यहाँ पर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी हैं, तो आपका कोई इरादा है झूला वगैरह झूलने का? अब सभी झूले, अलग झूला, सारे जितने झूले थे यहाँ पर सभी झूले। आप भी झूल सकते हैं, लेकिन दो लोगों का टिकट आपको अकेले लेना पड़ेगा। के कोई बात नहीं, बच्चों कर रहे हैं तो बच्चों ने झूले झूले सारे जी। आपने भी झूले होंगे? हाँ, मैंने कम झूले हैं, बच्चों के झूले।
बेटी गई थी। अच्छा बेटी क्या क्या? अच्छा मुझे बताएं कि कितनी सेफ जगह है ये और कितनी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ पर या नहीं? काफी है, काफी है। आना चाहिए फैमिली से यहाँ पर? हाँ, जिंदगी में बच्चों को जरूर लेके आना चाहिए, एक बार जिंदगी में। अच्छा, मौत का कुआं है और इसके अलावा मेला भी लगा हुआ है, सर्कस भी है यहाँ पर, तो आपने ये देखा? बेहतरीन, सबसे ज्यादा मजा मुझे उसी में आया है। पैसे वसूल हो गए बेटा, आपको मजा आ रहा है? बहुत मजा। कौन कौन से झूले झूले आप? झूले सारे झूले? नहीं सारे तो नहीं। सारे नहीं तो है, इरादा है सारे झूलने का? झूले दिल तो जा रहा है झूलने का, थक जाओगे इतना नहीं। ये थक जाएंगे अंकल, थक जाएंगे। ये सही बात। ये फेस्टिवल 11 जून से लेकर 26 जून तक रखा गया है और फैमिलीज का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है और काफी मुतासर हो रहे हैं लोग और सैकड़ों की तादाद से लोग आते हैं यहाँ पर। इसी के साथ अपने मेजबान तला उस्मान को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।